आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन सेज इन फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विशर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द सिलेंडर। राइट, साफ से पूछा गया कि जो हमारे पास फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनमें आपके पास इनमें से कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। राइट, सो देखो आपको सबसे पहले समझना होगा कि व्हाट आर फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। सो एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि दीज आर द बेसिकली द टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर आपके पास वो होता है जो आपकी फायर को एक्सटिंग्विश करने में आपकी क्या है, हेल्प करता है। राइट, सो अगर मैं फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विशर की बात करती हूँ, सो ये आपके एक्सटिंग्विश तो करेंगे फायर, बट ये आपके एक्सटिंग्विश करेंगे ओनली क्लास ए एंड क्लास बी फायर। राइट, सो देखो क्लास ए फायर की अगर मैं बात करती हूँ, सो क्लास ए फायर आपकी वो होती है दैट इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ वुड वेपर। राइट, वुड हो गया आपका या पेपर हो गया। राइट, और यहीं पर अगर मैं बात करती हूँ आपकी क्लास बी फायर की, सो क्लास बी फायर आपकी कॉज्ड होती है ड्यू टू फ्लेमेबल लिक्विड्स लाइक पेट्रोल या ऑयल। राइट, सो ये बेसिक डिफरेंस होता है। एंड इन फायर्स को एक्सटिंग्विश करने के लिए वी हैव फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। फाइन, सो बेसिकली होता क्या है कि ये जो फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होता है ये आपके एक्सटिंग्विश तो करता है लिक्विड फायर्स। कैसे एक्सटिंग्विश करते हैं ये लिक्विड फायर्स को? बाय सीलिंग द सरफेस ऑफ द लिक्विड, बाय सीलिंग द सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड प्रिवेंटिंग द फ्लेमेबल वेपर, जो आपके पास फ्लेमेबल वेपर आपकी अराइज हो चुकी है उसको प्रिवेंट करता है फ्रॉम रीचिंग From reaching the air, right? So, क्योंकि आपको पता ही है कि अगर एयर तक आपकी क्या है ये फ्लेमेबल वेपर नहीं पहुंचेगी, सो आपके पास क्या है फायर जो होगी वो आपकी स्टॉप कर जाएगी, मतलब एक्सटिंग्विश कर जाएगी, बिकॉज एयर में ऑक्सीजन होती है विच इज द बिगेस्ट सपोर्टर फॉर द कंबर्शन। राइट, विच बिगेस्ट सपोर्टर फॉर द बर्न। राइट, सो ये आपको समझना होगा। सो इस टाइप से आपके पास क्या है फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विशर एक्सटिंग्विश करता है आपके फायर को। राइट, और अब आपको समझना होगा कौन सा आपके पास प्रेजेंट होता है इनमें से केमिकल कंपाउंड। सो आपको समझना होगा कि जो केमिकल कंपाउंड इसमें हमारे पास प्रेजेंट होता है वो होता है प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट दैट इज NaHCO3। राइट, सो ये आपका क्या होता है ड्राई केमिकल एजेंट होता है, इट इज अ ड्राई केमिकल है आपका, बेसिकली ड्राई केमिकल है जो कि आपका यूज होता है इन दिस टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर में, ये आपका क्या होता है यूज होता है। फाइन, क्लियर। और अगर मैं फर्दर इसकी बात करती हूँ, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर एक्सटिंग्विशिंग द फायर। राइट, एंड फर्दर अगर मैं इस कंपाउंड की बात करती हूँ, सो ये आपका क्या होता है, इट इज नॉन टॉक्सिक, ये आपका नॉन टॉक्सिक होता है, नॉन कोरोसिव होता है विद मिनिमल क्लीनअप, विद मिनिमल मैं बेसिकली कहूंगी With minimal cleanup, right? So यहाँ से आपका आंसर जो है वो होने वाला ऑप्शन टू आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, NaHCO3 जो है इसमें आपका प्रेजेंट होता है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।